नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल एस वाई में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महादेव की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन रखें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हिंदुओं में महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है महाशिवरात्रि का पावन पर्व जिसको समस्त हिंदू समुदाय हर्षोल्लास के साथ मनाता है यह त्योहार पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और महादेव शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे वहीं कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे जिसके उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के मुख्य व्रत त्योहारों में से एक है पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर शिव और शक्ति का मिलन हुआ था अर्थात भगवान शिव ने देवी पार्वती की कठोर तपस्या के बाद उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस तिथि पर भक्तों द्वारा महादेव और माता पार्वती का पूजन और व्रत किया जाता है माना जाता है कि इस व्रत को करने से साधक को सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि व्यक्ति को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके इस समय चढ़ाए चल शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रातः शून्य पांच बजे से लेकर ग्यारह बजे तक का समय सबसे उत्तम माना गया है शिव पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि इस समय में सूर्यदेव पूजा के साक्षी नहीं होते ऐसे में व्यक्ति को जलाभिषेक का फल प्राप्त नहीं होता लेकिन महाशिवरात्रि के दिन पर आप सूर्यास्त के बाद भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है इसके साथ ही श्रृंगार करने के बाद भी शिवजी का पर जल चढ़ाना वर्जित माना गया है जलाए ये दीपक महाशिवरात्रि की पूजा के दौरान आप शिव जी के समक्ष घी का दीपक जला सकते हैं ऐसा करना बहुत ही माना जाता है इससे भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और अपनी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं घी का दीपक शाम के समय जालना अधिक शुभ माना जाता है इससे व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी प्रकार के संकट दूर हो सकते हैं न करें इन चीजों का सेवन महाशिवरात्रि के दिन मानसमदिरा का सेवन भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए इसके अलावा तामसी भोजन जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया गया हो उससे भी दूर रहना चाहिए महाशिवरात्रि व्रत का भोजन सात्विक ही होना चाहिए तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है भक्तजन देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत करते हैं हमारे देश में इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व है जिसके करने से मनुष्य को भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है इस दिन व्रत के अलावा लोग अपनी सामर्थ्यानुसार विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं लेकिन फिर भी भूलवश हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आइए जाने कि शिवरात्रि के दिन क्या करें और क्या न करें जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें हो सके तो नहाने के पानी में काले तिल डालकर नहाएं मान्यता है कि ऐसा करने से सभी तरह की अशुद्धियों का विनाश हो जाता है आप भी इस बार दिन की शुरुआत कुछ इस ढंग से करें आज के दिन मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक शिवलिंग का साथ अलग धाराओं से करें अभिषेक अवश्य करें दूध दही शहद से अभिषेक कर महादेव को बेलपत्र धतूरा और फूल चढ़ाएं धूप दीप से आरती कर भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूरी करने का वर मांगें यदि आप में सामर्थ्य हो तो दिन रात का व्रत करें क्योंकि यह पर्व एक सुबह से लेकर दूसरे दिन की सुबह तक माना जाता है दिन में जूस फल आदि का सेवन करें और सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार का भोजन ग्रहण न करें वैसे तो श्रद्धा भक्ति के कोई नियम नहीं होते यदि आप में सामर्थ्य है तो व्रत को व्रत के तरीके से करें महिलाएं कभी भी शिवलिंग पर सिंदूर न चढ़ाएं इसकी जगह चंदन का प्रयोग करें शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं इनको धार्मिक मान्यता के अनुसार वर्जित माना गया है हालांकि हल्दी को पूजा अर्चना और रीति रिवाजों के लिए अनुकूल माना जाता है लेकिन शिवलिंग पर इसको अर्पित न करें शिवलिंग पर शंख से जल न चढ़ाएं। कहते हैं कि भगवान शिव को सफेद रंग के फूल पसंद होते हैं इसलिए पूजा में लाल रंग के फूलों का प्रयोग न करें लेकिन ध्यान रखें सफेद रंग के फूल में केवड़ा और केतकी के फूल के इस्तेमाल से बचें शिवजी की पूजा में आप गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन पूजा में काले रंग के कपड़े पहनने से बचें क्योंकि काले रंग को पूजा में शुभ नहीं माना जाता है खंडित बेलपत्र शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का तरीका के प्रयोग से बचें खंडित बेलपत्र चढ़ाने से बेहतर है कि बेलपत्र चढ़ाएं ही नहीं भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए यहां इस वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान दें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें वह इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल इस वाई को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद